आज हम मेरे पढ़ाको मेरे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज जो चल रही है इसके दो वीडियो में बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने आपको फैराडेज लॉ और लेंज रूल पढ़ाए हैं, उम्मीद आप पढ़ चुके होंगे। फिर इसके बाद मैंने आज का जो वीडियो बनाया है वो वीडियो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड। तो मेरे बेटा सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इन सभी को ढंग से समझना है तो लौट आइए 30 सेकंड बाद, लेकिन फर्स्ट पार्ट देख लिया हो तो। बेटा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, नहीं तो बीच में टॉपिक आपको समझ में आना रुक भी जाएगा यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे। फोकस चाहिए मुझे, पिक्चर नहीं है ये। आपको पहले वीडियो में क्या बताया, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। यदि क्वायल का पाथ, करंट का पाथ कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड करंट बनेगी और वो करंट हमेशा जिस कारण से बनी उसका अपोज करेगी। मतलब सौ बात की एक बात यह है कि जो फ्लक्स चेंज करने का कारण है क्वायल उसका अपोज करती है, क्वायल उसका विरोध करती है। तो मेरे बेटा यहीं से शुरू होता है मेरा टॉपिक सेल्फ इंडक्शन, और वो अभी तक आप भूले नहीं होंगे बेटा, क्वायल हमेशा जिस कारण से फ्लक्स चेंज होता है उसका अपोज करती है। अब गौर से सुनना शुरू करो मेरे बेटा, एक क्वायल है, मैं आपको पहले डीसी से बताता हूं फिर एसी से। इस क्वायल में एक बैटरी लगी है और एक स्विच है। अभी क्वायल के अंदर कोई करंट नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरे बेटा तब क्या होगा यदि मैं इस स्विच को ऑन करूं, स्विच ऑन करते ही ये करंट इसमें से जाएगी। जैसे ही करंट जाएगी तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, पुरानी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा और अंदर ही अंदर वापस आएगा। इसका मतलब अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसके कारण फ्लक्स पैदा होगा। एक बात सुन, जब ये स्विच ऑफ था फ्लक्स नहीं था, जैसे ही स्विच ऑन हुआ करंट आई, करंट आई तो फ्लक्स चेंज हुआ। तो मेरे बेटा फ्लक्स चेंज होने का कारण क्या है, खुद ये करंट, ना ये करंट आती और मेरे बालक ना फ्लक्स चेंज होता। यानी फ्लक्स चेंज होने का कारण है खुद करंट। और तुमने लेंज रूल के हिसाब से पढ़ा हुआ है कि क्वायल अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, क्वायल हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण बेटा फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां तो खुद करंट के आने के कारण ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्वायल करंट को आने से रोकेगी। क्वायल अपने अंदर डीसी करंट जब आएगी तो उसको रोकेगी। यही है सेल्फ इंडक्शन। एक और देख, ये तो डीसी से समझाया, अब मैं एसी से बताऊं। मेरे बेटा एसी करंट है, एसी करंट किसे कहते हैं, जो बार बार बदलती रहती है, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी। जो करंट अल्टर होती रहे वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो यदि मैंने एसी करंट पास करी तो ये करंट लगातार चेंज होती रहेगी,
करंट चेंज होती रहेगी तो इसके अंदर का फ्लक्स लगातार बदलता रहेगा, और जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा क्वाइल करंट का अपोज करती रहेगी। यानी डीसी और एसी में क्या अंतर है, डीसी करंट तो जिस समय आई उस समय फ्लक्स चेंज हुआ, उस समय क्वाइल ने उसका अपोज कर दिया, लेकिन बाद में अपोज करना बंद कर दिया क्योंकि डीसी करंट तो कांस्टेंट करंट होती है, तो थोड़ी देर बाद यहां पर करंट कांस्टेंट हो गई, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और यदि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो क्वाइल में ईएमएफ वीएमएफ नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि ईएमएफ तभी डेवलप होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो क्वाइल डीसी करंट को सिर्फ तब अपोज करती है जिस समय करंट आती है या करंट बंद होती है, स्विच ऑफ करते समय करंट एकदम से खत्म होगी, और यदि करंट खत्म होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा क्वाइल उसका अपोज करेगी। तो क्वाइल डीसी करंट को सिर्फ दो बार अपोज करती है, करंट के आने के समय और करंट के बंद होते के समय, बाकी पूरे टाइम करंट कांस्टेंट रहेगी, और यदि डीसी करंट कांस्टेंट रहेगी तो मेरे बालक क्वाइल तो अपोज करने से रहेगी। लेकिन एसी करंट वो करंट है जो लगातार बदलती रहती है, और यदि करंट लगातार बदलती रहती है तो इसका फ्लक्स लगातार बदलता रहता है, और यदि फ्लक्स लगातार बदलता रहता है तो भैया क्वाइल उसे लगातार अपोज करती है। तो एसी करंट को ये कंटिन्यूअसली अपोज करती है, डीसी करंट को शुरुआत और अंत में अपोज करती है। यही है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन यदि कोई पूछे तो तुम क्या बताओगे, क्वाइल अपोजेस एनी चेंज इन करंट इन इटसेल्फ। क्वाइल अपने अंदर करंट को बदलने नहीं देना चाहती, यदि मैं करंट को बढ़ाना चाहता हूं उससे फ्लक्स चेंज होता है, और जिस कारण से फ्लक्स चेंज होता है क्वाइल उसका विरोध करती है, तो यदि करंट के बढ़ने से फ्लक्स चेंज होता है तो क्वाइल उसका अपोज करेगी लेंज रूल के हिसाब से और बढ़ने से रोकेगी, और यदि करंट कम होती है रिड्यूस होती है उससे भी फ्लक्स चेंज होता है, और यदि करंट के रिड्यूस होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो लेंज रूल के हिसाब से करंट को रिड्यूस भी नहीं होने देगी क्वाइल। तो 100 वाट की एक बात, क्वाइल हमेशा ये चाहती है कि उसके अंदर करंट ना बढ़े ना घटे, बढ़ती है तो रोकना चाहती है, कम होती है तो बढ़ाना चाहती है, और यही फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन। अच्छा जी चलो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना तो समझ में आ गया। अच्छा अब ये जो क्वाइल का फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंड करता है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल है करंट के। क्यों फ्लक्स प्रोपोर्शनल है करंट के, जरा इस पे भी दो मिनट बात कर ले। आपको ये तो पता ही है फ्लक्स का फॉर्मूला एनबीए कॉस थीटा है। अच्छा एक बात तो और याद होगी तुम्हें पिछले चैप्टर की, कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। देख बेटा जो पिछले चैप्टर की बातें हैं यदि मैं उन्हें समझाने लग गया तो फिर तो ये वीडियो हो गया, आप मैग्नेटिज्म की वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे बेटा मैं जो बता रहा हूं उसे और दिमाग लगा दो बेटा। सबसे पहले यदि मान लो यहां मैं कैसे कह सकता हूं फ्लक्स प्रोपोर्शनल है करंट के, सपोज इसके अंदर करंट आ रही है, करंट के आने से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बनने से फ्लक्स पैदा हो रहा है। अब सोचो यदि मैंने करंट को बढ़ा दिया, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया, यानी कि करंट के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया। अच्छा मान लो हमने करंट को रिड्यूस कर दिया, करंट को रिड्यूस कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गया तो फ्लक्स रिड्यूस हो गया, यानी बेटा करंट बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ता है, करंट कम होती है तो फ्लक्स कम होता है, यानी फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अब देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो है एल, तो फाई का फॉर्मूला है एल आई। ये एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, वो तो एक फिनोमेना है कि क्वाइल अपने अंदर करंट को चेंज नहीं होने देना चाहती, और सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यूनिट भी होती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी, जिसे सिंपली एच लिखा जाता है, जैसे न्यूटन को एम लिखते हो, जूल को जे लिखते हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट एच हेनरी। अब मेरे बेटा फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एल आई आ गया। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम बताएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का,
एक बात बता, मेरे पास एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स है n, लेंथ है इसकी l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला। तो जो मैं पूछू जवाब देना, सबसे पहले जब इसके अंदर करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, क्रिएट होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। जब मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर से जाएगा तो फ्लक्स पैदा होगा, क्रिएट होगा, कितना फ्लक्स क्रिएट होगा, फाइ इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। अब मुझे यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला, पहले मुझे वही फ्लक्स निकालना है कि सोलेनोइड में फ्लक्स कितना क्रिएट हुआ, तो फाइ का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा। यहां थीटा जीरो है, थीटा क्यों जीरो है बेटा, आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग है और हर एक लूप का नॉर्मल उसके पैरेलल है, थीटा जो होता है लूप के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता है। तो यदि कोई सा भी लूप ले लो उसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा जीरो है, और यदि थीटा जीरो है तो कॉस जीरो वन है, तो बस यही रह गया फाई का फॉर्मूला एल बी ए। लेकिन फाई होता है एल आई, एन को छुओ मत, बी की वैल्यू रखो। सोलेनोइड के अंदर का फील्ड मुझे पता है, पहले प्रूफ हो चुका है, सोलेनोइड के अंदर का फील्ड है म्यू नॉट आई एन अपॉन एल, आई से आई कैंसिल हो गया तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बालक म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यही फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हमें बताया था म्यू नॉट आई स्मॉल एन। मेरे बेटा तुम्हें याद होगा, यदि तुम्हें वो वीडियो याद है, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में फॉर्मूला रख रहा हूं, ना कि पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक क्विक रिकैप ले, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे चले। मेरे बेटा क्या समझा आपने सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, कोई कॉइल अपने अंदर करंट को ना बढ़ने देना चाहती ना घटने देना चाहती, यही सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन की कोई यूनिट बताओ मेरे बालक, सेल्फ इंडक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, वो तो एक फिनोमेना है कि क्वाइल उसे अपोज कर रही है। एक बात बता, सन राइजेज इन द ईस्ट इसकी यूनिट क्या है? अरे भैया वो तो एक फिनोमेना है कि सन राइजेज इन द ईस्ट इसकी कोई यूनिट नहीं। तो जिस तरह से सन ईस्ट से राइज होता है इसकी कोई यूनिट नहीं, तो क्वाइल अपने अंदर करंट को चेंज नहीं होने देना चाहती, इसकी कोई यूनिट नहीं, सेल्फ इंडक्शन की कोई यूनिट नहीं। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी यूनिट है हेनरी। अच्छा फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। फिर मैंने क्या किया, फ्लक्स का फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा जिसमें थीटा जीरो है, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई एन अपॉन एल, फाई की वैल्यू एल आई, आई से आई काट के सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया। ये फॉर्मूला कब लगेगा, यदि मुझे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एरिया और लेंथ बता दोगे तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दूंगा। तो मेरे बेटा अब मैं आपको बताता हूं म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बेटा सबसे पहले मैं दो कोएक्सियल कॉइल ले रहा हूं, एक कॉइल को कहूंगा प्राइमरी और एक को कहूंगा सेकेंडरी। ये एक कॉइल है, इसी के ऊपर मैंने दूसरी कॉइल बना दी, वो सेकेंडरी कॉइल है। यहां दो कॉइल है, कैसी कॉइल है वो अभी आप जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक कॉइल कहलाती है प्राइमरी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी, दोनों कोएक्सियल है। तो मैं निकालने जा रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस और समझाने जा रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक इमेजिनेशन कर, मैं इसको पेन के ऊपर, पेन को कोर बना लू, पेन के ऊपर एक कॉइल लपेट लू, वायर लपेट दू, उसे कहूं प्राइमरी कॉइल, इसके ऊपर कोई इंसुलेटेड मेटेरियल चिपका दिया, बस दो सिरे निकले हुए ऊपर का और नीचे का करंट जाने और आने के लिए, फिर मैंने दूसरा वायर लेकर के उसी पे लपेट दिया, ये कहलाएगी सेकेंडरी। इसके ऊपर फिर एक इंसुलेटेड मटेरियल की कोट कर दी, अब दो वायर प्राइमरी के निकले हुए हैं, दो सेकेंडरी के, लेकिन दोनों अलग अलग है, प्राइमरी की करंट सेकेंडरी में नहीं जाएगी, सेकेंडरी की करंट प्राइमरी में नहीं जाएगी। अब यह कहलाती है कोएक्सियल कॉइल। मैं इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं, म्यूचुअल
इंडक्टेंस। और पहले समझाता हूं म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या है उसे देखिए। मेरे बेटा एक बात सुन, प्राइमरी में मैंने करंट पास करी, यदि प्राइमरी में करंट जरा भी चेंज हुई तो सेकेंडरी में ईएमएफ और करंट डेवलप हो जाएंगे। सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा क्यों, वही तो बता रहा हूं। तुम बताओ किसी भी कॉइल में ईएमएफ कब डेवलप होता है फ्लक्स चेंज होने से। चल शुरू से समझ, प्राइमरी में करंट चेंज होगी तो सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप होगा, यही म्यूचुअल इंडक्शन है। एक की करंट दूसरे में ईएमएफ पैदा कर दे। तुम ये बताओ यदि प्राइमरी में करंट है तो प्राइमरी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण प्राइमरी के अंदर फ्लक्स है, प्राइमरी के अंदर का फ्लक्स सेकेंडरी के भी अंदर है तो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स है। अब ये बताओ यदि मैंने प्राइमरी की करंट को बढ़ा दिया तो प्राइमरी का फील्ड बढ़ गया जिससे सेकेंडरी में फ्लक्स बढ़ गया, और यदि सेकेंडरी में फ्लक्स बढ़ गया यानी चेंज हो गया तो मेरे बेटा यदि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो गया तो उसमें ईएमएफ जरूर डेवलप होगा। तो प्राइमरी कॉइल में यदि करंट बढ़ती है या कम होती है तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होता है, और यदि सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होता है तो बेटा उसमें ईएमएफ डेवलप होता है। ये फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन का। तो कोई आपसे कहे म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि बेटा प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने पर सेकेंडरी में ईएमएफ का डेवलप होना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आपको समझ में आ गया, अब बात आती है कि ये फॉर्मूले वगैरह क्या है। तो एक बात बताओ, सेकेंडरी का फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी की करंट के। यदि आप प्राइमरी में करंट बढ़ाओगे तो प्राइमरी का फील्ड बढ़ेगा, प्राइमरी का फील्ड बढ़ेगा तो सेकेंडरी में से फ्लक्स ज्यादा जाएगा। तो यानी प्राइमरी सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की करंट के प्रोपोर्शनल है। अब मेरे बेटा देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एम, जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये एम कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्शन एक फिनोमेना है, इंडक्टेंस एक कॉफिशियंट है, तो ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी यूनिट है हेनरी, है म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, इसकी यूनिट भी हेनरी हो गई। अब मैं फाइव एस का फॉर्मूला निकालूंगा। देख प्राइमरी का जो भी है उसमें पी लगा दो, जैसे प्राइमरी की करंट आईपी, प्राइमरी के टर्न्स एनपी, प्राइमरी की वोल्टेज ईपी, प्राइमरी का ईएमएफ, सेकेंडरी के टर्न्स बोलो तो एनपी, सेकेंडरी के ईएमएफ बोलो तो ईएस, सेकेंडरी के नंबर ऑफ सॉरी एनएस, सेकेंडरी के टर्न बोलो एनएस, ईएमएफ बोलो ईएस, और करंट बोलो तो आईएस। कहने का मतलब जिसमें भी पी लगाया वो प्राइमरी का और जिसमें एस लगाया सेकेंडरी का। मेरे बेटा सेकेंडरी का फ्लक्स कोई भी फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, और मैंने पिछले में भी बताया था थीटा जीरो है। तुम जानते हो कॉइल का फील्ड एक्सिस के अलोंग और हर लूप का नॉर्मल उसी के पैरेलल, तो थीटा जीरो है, तो वो मैं कॉस थीटा लिख ही ले रहा। अब गौर से सुन असली बात, सेकेंडरी का फ्लक्स सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी का फील्ड, एरिया तो सेम है, हमने एक ही पैन के ऊपर एक कॉइल बनाई, उसी के ऊपर दूसरी कॉइल बनाई, तो एरिया तो सेम है, लेंथ सेम है, तो ये हमारा आया। अब ये क्यों लिखा, ये है कहानी। एनएस लिखा, बीपी लिखा। एक बात बताओ, प्राइमरी का फील्ड सेकेंडरी के टर्न्स में से गुजरा तभी तो सेकेंडरी को फ्लक्स मिला। फील्ड जब किसी एरिया से जाता है तभी तो फ्लक्स पैदा होता है। तो यहां प्राइमरी की करंट का बनाया फील्ड सेकेंडरी के टर्न्स में से होकर के गया तभी तो सेकेंडरी को फ्लक्स मिला। तो इसीलिए सेकेंडरी को जो फ्लक्स मिला है वो प्राइमरी का फील्ड सेकेंडरी के टर्न्स में से गुजरा है तब मिला है। यानी बेटा एनएस बीपी, बीपी यानी प्राइमरी का फील्ड, प्राइमरी भी एक सोलेनाइड है, प्राइमरी कॉइल भी सोलेनाइड है, तो म्यू नॉट आई एन अपॉन एल उसका फॉर्मूला है इनटू ए। अब क्योंकि प्राइमरी का फील्ड लिखना है यहां तो प्राइमरी की करंट और प्राइमरी के टर्न्स, प्राइमरी का बनाया फील्ड ये है और वो सेकेंडरी के टर्न्स में से गुजरा है, लेकिन फाइव एस होता है एमआईपी, तो आईपी से आईपी कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट एनएस एनपी ए अपॉन एल, यही फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। यदि मुझे प्राइमरी के टर्न और सेकेंडरी के टर्न बता दो, एरिया और लेंथ बता दो,
एरिया और लेंथ कोएक्सियल है, लेंथ और एरिया सेम है, तो मैग्नेटिक ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा, इसकी यूनिट होगी हेनरी। अभी एक बात और बता दूं और इसके बाद आज का वीडियो खत्म करो। अच्छा एक चीज सुन, अगले वीडियो में म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बहुत सारे केस बताऊंगा। जैसे एक वायर के पास सर्किल हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, लूप के अंदर लूप हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अगला वीडियो मिस मत कर देना। अभी आप सुनो एक चीज और मेरे बेटा, सेल्फ इंडक्शन से जुड़ी एक और बात, ये है मेरी क्वाइल। पहले मैं सेल्फ इंडक्शन से जुड़ी भी बात बता रहा हूं। मुझे बताओ फाई प्रोपोर्शनल था आई, जिसके कारण फाई हुआ था एल आई, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डीटी। तभी मैं बार बार कह रहा हूं फैराडेज लॉ वाली फर्स्ट वीडियो जरूर देख लो, माइनस डी फाई बाय डीटी। फाई को रख दो यहां पर एल आई, तो ये L तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बाहर आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कि ये अपोज कर रहा है, रोक रहा है, करंट बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं दे रहा, कम हो रही है तो कम नहीं होने दे रहा, माइनस ये शो कर रहा है। तो समझ में आ गया फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, ईएमएफ माइनस डी फाई बाय डीटी, फैराडे सेकंड लॉ, और फाई को रख दिया एल आई, एल बाहर चला गया, ये आ गया। अब इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस से जुड़ा हुआ भी एक फॉर्मूला और बता दूं, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये कोएक्सियल सोलेनोइड है, कोएक्सियल, अभी अभी बताया कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई पी, सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की करंट पर डिपेंड करता है, तो फाई इज इक्वल टू एम आई पी। अब बताओ सेकेंडरी का फ्लक्स मिल गया, अब ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाय डीटी। अब तुमसे कोई पूछे सेकेंडरी में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो सेकेंडरी का फ्लक्स रख देना, सेकेंडरी का फ्लक्स यहां पर पुट कर देना। यदि आप सेकेंडरी का फ्लक्स पुट करोगे तो एम तो बाहर आ जाएगा, फाई एस को लिखूंगा एम आई पी, एम बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। ये है सेकेंडरी का ईएमएफ जो डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये करंट, ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब एक चीज समझ में आ गई, डी आई बाई डी टी को तुम न्यूमेरिकल के समय डेल्टा आई अपॉन डी टी कह सकते हो, क्योंकि डी आई बाई डी टी में डी आई क्या है, स्मॉल चेंज इन करंट, डेल्टा आई लार्ज चेंज इन करंट, यह स्मॉल टाइम यह लार्ज टाइम। इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप चाहे तो माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल के लिए, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूले एक ही हैं। डी का मतलब है स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब है लार्ज चेंज। तो ठीक है बेटा, अब आपको इंतजार करना है अगली वीडियो का, ईएमआईएसी की फोर्थ वीडियो जो आपके पास आएगी। फिलहाल कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू। पढ़ाकू किस लिए, लास्ट तक देखा इसलिए।